शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दूल्हा दुल्हन के साथ साथ दो परिवार भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिस वजह से ही शादी के दिन सभी लोग काफी खुश होते हैं। और फिर इसी खुशी के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे अतरंगी कांड कर जाते हैं जिसे देख आप भी मस्त हो जाएंगे। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल है इंडियन वेडिंग फनी मोमेंट पार्ट 8। अब भाई मिलिए इस दूल्हे से, जो जयमाल के बाद जब स्टेज पर लोगों से आशीर्वाद ले रहा था कि भैया, तभी ये आंटी दुल्हन को प्यार से पप्पी करने लगती हैं, और ये सब अचानक देखकर तो दूल्हे का होश ही उड़ गया। नो 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 ओ नो भाई साहब, दूल्हा को लगा कि यार ये कोई अंकल तो नहीं, पर भाई लास्ट में जब ये आंटी को देगा तो बेचारे की जान में जान आई। अब यार शादी हो और डांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए तो भाई ये आंटियां शादी को और यादगार बनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर ही नाचना शुरू कर दी। नो 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 मतलब यार डांस के चक्कर में ये आंटियां कहीं अपना हाथ पैर ना तुड़वा बैठे। अब भाई मिलो इस नई नवेली दुल्हन से, जो बच्चों द्वारा भाभी मामी चाची सुनकर तंग आ चुकी है, जिस वजह से सुनिए ये बच्चों को क्या क्या बोल रही है। हाँ मुझे दीदी ही बोलो, चाची चुची मत बोलो। हाँ यार मुझे मामी मूमी मत बोलो, यार मुझे नाम से बुला लो चलेगा, पर मामी मूमी मत बोलो प्लीज। हाँ, मैं इतनी छोटी हूँ। अच्छा। कोई भाभी भूभी नहीं हूँ, मेरे को मेरे नाम से बुलाओ। चाची चूची मामा मूमी, यार ये क्या बोले जा रही है। अब भाई मिलो इस कैमरा मैन से, जो दुल्हन को लेकर आया खेत में जब प्री वेडिंग शूट करने, तो भैया ये बार बार दुल्हन को लंगा पकड़कर स्टाइल में चलने को बोल रहा था, पर लास्ट में जब दुल्हन नहीं चल पाई तो भाई साहब ये खुद ही जुट गए सिखाने। भैया इतनी पतली रास्ते से मैं चलूंगी कैसे? नहीं नहीं आराम से चलोगे, देखो ये पकड़ो, आपने ऐसे लहंगा पकड़ना है। ठीक है समझ गया। ऐसे चलते हुए ऐसे करके मतलब यार दुल्हन भी सोच रही होगी कि क्यों मिल गया स्वाद, खुद तो पैंट पहना है फिर भी गिर गया, और मुझे कब से बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो। अब यार मिलो इस नई जोड़ी से, जहां दुल्हन जब प्यार से दूल्हे को मिठाई खिलाई तो भैया ये मिठाई को थोड़ी देर में ही मुंह से निकाल कर फेंक दिया, और दुल्हन इसको ऐसा करते देख भी ले, जिसके बाद तो भाई साहब क्या हुआ आप खुद ही देखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई साहब ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं इनका मैरिज लाइफ शुरू होने से पहले ही ना खत्म हो जाए। अब यार शादी में जो सबसे खास और महत्वपूर्ण चीज होती है वो होते हैं पंडित जी, पर भैया यहाँ पर शादी कराने पहुँचे ये पंडित जी जब शंख हिलाना भूल गए, तो भाई साहब शादी कराने के लिए इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया जरा आप भी देखिए। मतलब यार गलीमत था कि पंडित जी काफी जोर लगाकर मुंह से संघ की आवाज निकाल लिए, वरना गलती से अगर कोई और आवाज निकलती तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब यार इसी के साथ एक नजर इस दुल्हनिया को भी देखो, जो कैसे शादी के स्टेज पर ही अपने सहेलियों के साथ फुल कॉन्फिडेंस में डांस कर रही है। भाई साहब दूल्हा भी सोच रहा होगा कि यार कैसी लुगाई मिली है, जो सभी नात रिश्तेदार के सामने ही मेरी दुनिया उजाड़ने में जुटी है। दोस्तों वीडियो मजेदार लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? और हाँ साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस वक्त किस गांव, किस शहर या किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब यार मिलिए इस परी से, जो किस तरह अपने सहेलियों के सामने खुद को अपने पति के साथ कंपेयर करते हुए क्या क्या बोले जा रही है। मैंने कहा इतना स्मार्ट था यार, मैं जल्दी गई थी।
ओले 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 यार, बंदी तो बिल्कुल नल्ली, मतलब कि झल्ली टाइप की है, फिर भी इसको इतना अच्छा पति कैसे मिल गया? नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई मिले इस दूल्हे से जो बीबी के बोझ को सिर पर उठाने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, तभी तो ये शादी के दिन से ही बीबी को टोकरी में लिए घूम रहा है। मतलब यार इसका अंदाज देखकर तो यही लग रहा है कि यार ये कहीं फेंकने तो नहीं जा रहा। अब भाई मिले इस ताऊ से जो सालों से काफी मशक्कत के बाद फाइनली अपनी प्रेमिका से शादी कर ही लिए। नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब इसलिए कहते हैं कि उम्मीद रखने वालों की जीत ही होती है, पर हाँ कभी कभी जीत कब्र से कुछ दूरी पर मिलती है। अब यार आज तक तो आपने शादियों में तरह तरह के डांस तो देखे ही होंगे, पर भैया मिलिए इस बंदे से जो दोस्त के शादी में नाचने के लिए बाइक पर सवार होकर हवा में नाचना शुरू कर दिया। अब यार जब खुद के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, और ठीक यही हाल इस दीदी का भी है जिनकी शादी जब इनके बॉयफ्रेंड से हो गई तो भाई दीदी को विदाई के वक्त रोना ही नहीं आ रहा। रोना ही नहीं आ रहा। अब यार ये कहाँ का रिवाज है जिसमें लोग दूल्हे को घोड़े सहित उठाकर घुमा रहे हैं? मतलब यार अगर इस हरकत से घोड़ी डरकर भाग गई तो भाई इनकी शादी तो अधूरी रह जाएगी। अब यार इस क्लिप में जब शादी चल रही थी तो दूल्हा दुल्हन के साथ काफी लोग स्टेज पर खड़े थे, पर भैया इन लोगों का फोटो लेने के लिए कैमरामैन कहाँ चढ़ा हुआ है जरा आप भी देखिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। मतलब यार इस कैमरामैन का जुनून देखकर तो यही लग रहा है कि भाई इसकी तो मूर्ति बननी चाहिए। हाँ यार कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ यदि इस वीडियो का एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और हाँ ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।